नमस्कार, जी एस भाई निरसा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूपी टेट सीटेट के लिए संस्कृत पढ़ाएंगे। तो चलिए इसमें कारक हम स्टार्ट करते हैं। कारक शब्द क्रीधन रुवल से बना है। क्रीधन रुवल कारक ये एग्जाम में आया था, इससे पहले वाले अभी अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें आया भी था। कारक बराबर संधि विच्छेद इसका क्या होगा? ठीक, क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला ही कारक है। क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वो क्या है? कारक है। ठीक, क्रियान्वित्यम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। वनात आगत्य रामः सीतायै लंकायां रावणं बाणेन जघान, इसमें क्या होता है? सभी कारक आ जाते हैं। इस प्रकार वाक्य में राम सीता रावण वन बाण लंका इन सभी शब्दों का मारना जघान क्रिया से संबंध है। इनका सबका किससे संबंध है? जघान क्रिया से संबंध है। अतः उपरोक्त ये सभी शब्द कारक हैं। कारकों की संख्या कितनी होती है? कारक 6 हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान और अधिकरण। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादाने अधिकरणे, अपादाने अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता या जो क्रिया के सिद्ध में सहायक नहीं होते उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता। इसलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते, क्योंकि क्रिया के साथ इनका साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए कारक 6 माने गए हैं। कारक चिन्ह के बारे में आप कुछ देख लीजिए। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह क्या है? ने, जैसे राम ने। ठीक, द्वितीय राम को। ठीक, जैसे कर्ता में जैसे प्रथमा बहुवचन, तो बहुवचन ले लो या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे एक बालक ने, दो बालक ने, बहुत बालकों ने, तो क्या रूप चलेगा? बालका, बालको, बालका। द्वितीय में कर्म, कर्म को, बालक को, बालकम, बालको, बालकान। प्रथम वचन, द्वितीय वचन और बहुवचन। तृतीय कारक करण कारक, इमस्य द्वारा होता है, मतलब बालक के द्वारा। तो इसमें क्या होगा? बालका, बालको, बालका प्रथमा हो गया, बालकम, बालको, बालका, बालको, बालका प्रथमा हो गया, बालकम, बालको, बालकान द्वितीय। ठीक, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाई क्या हुआ? तृतीय हुआ। और चतुर्थी, जैसे बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ये क्या हुआ? चतुर्थी। पंचमी, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ये क्या हुआ? पंचमी हो गया। षष्ठी फिर देखेंगे क्या? षष्ठी बालकस्य बालकयो बालकानाम, षष्ठी में क्या होगा? बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेयुस, हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ऐसे रूप ये चलता रहेगा, जिससे हमें पूरा कारक चिन्ह क्लियर हो गया। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह कर्ता होता है। यह सूत्र कर्तृ संज्ञा करने वाले संज्ञा से है, जैसे मोहना पठित, यहाँ मोहन पढ़ने की क्रिया करने स्वतंत्र त्रेण विवक्षित है, अतः मोहन कर्ता है। वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य निम्न प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। कर्तृवाच्य,
मोहना पुस्तकम पठति, यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। देखो अभी बताए हैं कि प्रथमा विभक्ति आपको दिख रही है ना, कर्ता में मोहन करता है, मोहन में प्रथमा विभक्ति है। विभक्ति रूप आप याद कर लीजिए कर्मवाच्य, यदि आपको नहीं याद है मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, जहाँ पे पठ्यते गम्यते आ जाए, यहाँ समझिए कर्मवाच्य है ठीक। और तृतीय विभक्ति यहाँ पे हो तो क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कर्मवाच्य। यहाँ कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। भाववाच्य रामेण भूयते, यहाँ भाव क्रिया की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, प्रतिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र के आधिक्य में, परिणाम मात्र के आधिक्य में था वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। किसी प्रतिपादक के उच्चारण से स्वार्थ द्रव्य और लिंग संख्या और कारक इन पांचों में जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो उसे प्रतिपादिकार्थ कहते हैं। उदाहरण उच्च ही नीचे ही कृष्णा हसरी ज्ञानम, लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं होते हैं उन शब्दों से लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। तटह पुलिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसक लिंग, ठीक ठीक है। अब परिणाम का प्रयोग जहां पे होता है, परिणाम वजन माप तोल मात्रा का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। जो दृढ़ो व्रीहि वचन मात्र प्रथमा, अर्थात संख्या मात्र का बोध कराने के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है, यथा एका दो भावः, संबोधन सा संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ हे राम में संबोधन होने से प्रथमा विभक्ति है। उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्तरि प्रथमा, कर्तृवाच में जहाँ कर्ता या उक्त कहा गया है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामा गृहम गच्छति, यहाँ राम कर्तृवाची का करता है जो कि उक्त है, अतः राम में प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार प्रतिपद प्रतिपादिकार्थ में लिंग मात्र में, परिणाम मात्र में, वचन मात्र में, संबोधन में, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं ठीक है। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।